हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग डिजाइन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई काफी बढ़िया चली होगी। तो जैसे कि कल या परसों दो दिन पहले पीओ का स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया उन्होंने, तो जैसे कि हर बार मैं एग्जामिनेशन के बाद अपना स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ आप लोग के साथ, तो आज मैं इस पीओ का स्कोर कार्ड शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं सब कुछ है, रोल नंबर नाम कैटेगरी मेरी ओबीसी है और डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड कर दिया है। अब थोड़ी कटअप की बात कर लेते हैं क्योंकि कटअप काफी ज्यादा हाई गई है। तो यहाँ पे कटअप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जनरल की गई है 63 और ईडब्ल्यूएस की 62.75, ओबीसी की 61.25, एससी की 49.25 और एससी की 54.75। कटअप काफी ज्यादा हाई गई लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें तो लास्ट ईयर 56 गई थी कटअप और इस बार 61.25 ओबीसी की बात कर रहा हूँ। जनरल की शायद सेम ही गई थी लास्ट ईयर भी। अब देख लेते कि मेरा क्या स्कोर रहा। तो यहाँ पे ये रहा मेरा स्कोर 53.25। बिल स्कोर नहीं है मुझे पता है और कटअप से काफ़ी कम है, लगभग 8 नंबर कम है मेरे। और मैं खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि भाई सच बात बता रहा हूँ कि इसमें पीओ जैसे बड़े एग्जामिनेशन से डर लगता है मेरे को और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो लेवल नहीं कि मैं इसमें पीओ जैसे बड़े एग्जाम को निकाल सकूँ। बाकी तो तैयारी चली रही है, कोशिश तो जरूर रहेगी कि एक ना एक दिन इसका प्री मेन सब कुछ निकालूँ। तो यही मेरा स्कोर कार्ड था। और अटैम्प्ट की बात करें तो अटैम्प्ट भाई मुझे नहीं याद है सच में, क्योंकि जो मेरा एग्जामिनेशन सही नहीं रहा उसका कुछ मैं टेंशन ही नहीं लेता, मुझे कुछ याद ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना प्लस कि मेरा अटैम्प्ट जो था वो 60+ था। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड और जिनका हुआ है उनका उनको मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है भाई बहुत सारे एग्जामिनेशन है, ठीक है, और तैयारी कीजिए। जैसे कि अभी रिसेंट में हम लोग का IBPS क्लर्क का एग्जाम चल रहा है, तो दो दिन तो हो चुका है और एक दिन और बचा है कल का। तो जिनका जिनका भी है सबको ऑल द बेस्ट और पढ़ाई करते रहिए, मन छोटा मत कीजिए, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।